मॉर्निंग, मैं पूनम चौधरी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल ज्ञान ट्यूब पर स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे गर्भावस्था के दौरान होने वाले वेजाइनल डिस्चार्ज के बारे में। गर्भावस्था के दौरान ये डिस्चार्ज क्यों बढ़ जाता है और एक फीमेल में कब से वेजाइनल डिस्चार्ज होना स्टार्ट होता है और कब तक होता है और ये कहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है। तो जब एक फीमेल 9 से 10 साल की होती है तब से वेजाइनल डिस्चार्ज का बनना स्टार्ट होता है और जब तक वो 45 से 50 साल तक की यानी मीनोपॉज तक एक फीमेल में वेजाइनल डिस्चार्ज का आना नॉर्मल बात है। अब ये कहाँ से बनता है? तो जो गर्भाशय के यानी यूट्रस के आसपास की जो ग्लैंड होती हैं, ग्रंथि होती हैं, जो सेल्स होती हैं, उनके द्वारा वेजाइनल डिस्चार्ज का प्रोडक्शन किया जाता है। अब ये प्रोडक्शन क्यों किया जाता है? क्योंकि गर्भाशय के आसपास वेजाइना के अंदर कोई बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो, कोई फंगल ग्रोथ ना हो, कोई इन्फेक्शन ना हो, इसलिए इसका प्रोडक्शन किया जाता है। अब बात करते हैं एक प्रेग्नेंट लेडी के अंदर इसका अमाउंट क्यों बढ़ जाता है। तो देखिए, जब कोई फीमेल कंसीव करती है तो उसकी बॉडी में फिजिकली, फंक्शनली और हार्मोनली बहुत सारे चेंजेस होते हैं, उनकी वजह से ये डिस्चार्ज का अमाउंट बढ़ जाता है। जब एक फीमेल कंसीव करती है तो उसकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। यूं तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हर फीमेल के अंदर होता है, लेकिन कंसीव करने के बाद में इस हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। ये हार्मोन का लेवल बढ़ने से जो यूट्रस की जो ग्लैंड्स हैं, आसपास की जो ग्रंथियां हैं, वो क्या करती हैं, इस डिस्चार्ज का अमाउंट ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, उस वजह से ये डिस्चार्ज का अमाउंट गर्भावस्था के दौरान ज़्यादा देखा जाता है। उसका दूसरा रीज़न होता है, जब कोई फीमेल कंसीव करती है तो हार्ट ब्लड सप्लाई बढ़ा देता है यूट्रस की, यानी कि जो नॉर्मल ब्लड सप्लाई थी यूट्रस की उससे ज़्यादा ब्लड सप्लाई करता है हार्ट यूट्रस के लिए। और जब ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है तो ब्लड के अंदर एक कंटेंट होता है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या करता है, कुछ प्लाज्मा यूट्रस की मेम्ब्रेन्स के थ्रू सर्विक्स पे यानी कि गर्भाशय के मुँह पे आके जमा हो जाता है और वो जमा हुआ प्लाज्मा जो डिस्चार्ज है, वेजाइनल डिस्चार्ज है, उसमें जाके मिक्स हो जाता है और उसके अमाउंट को बढ़ा देता है। तो तीसरा रीज़न है कि एक फीमेल की वेजाइनल पीएच होती है 6। गर्भावस्था के दौरान ये पीएच और भी कम हो जाती है, और भी एसिडिक हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गर्भावस्था के दौरान वहाँ पर किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अगर कोई भी इन्फेक्शन हुआ तो बेबी को हार्म करेगा। इसलिए वहाँ की ग्लैंड्स क्या करती हैं, पीएच को और कम कर देती हैं और एसिडिक बना देती हैं इस डिस्चार्ज को, और जो आसपास की ग्लैंड्स हैं वो ऑटोमेटिकली इस डिस्चार्ज को ज़्यादा सिक्रीट करना स्टार्ट करती हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई बैक्टीरियल फंगल ग्रोथ ना हो। तो ये रीजन्स होते हैं गर्भावस्था के दौरान ज़्यादा वेजाइनल डिस्चार्ज आने के। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, एक नॉर्मल प्रोसेस है बॉडी का। अब आता है कि कौन सा डिस्चार्ज नॉर्मल है और कौन सा अबनॉर्मल है। देखिए, अगर आपको डिस्चार्ज का अमाउंट बढ़ा है तो कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है, लेकिन ये डिस्चार्ज इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आपको कोई पैड लगाने की ज़रूरत पड़ रही है तो उसमें बिल्कुल टेंशन वाली बात है। हो सकता है वहाँ पर कोई फंगल ग्रोथ हो गया हो, कोई बैक्टीरियल ग्रोथ हो गया हो, कोई तरह का इन्फेक्शन हो गया है। क्या होता है कि जब यूट्रस का ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है तो वहाँ पर ग्लूकोज भी ज़्यादा हो जाता है और फंगस वहीं पर ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। फंगस वहाँ पर ग्रोथ करता है जहाँ उसे ग्लूकोज ज़्यादा मिलता है। तो ग्लूकोज अमाउंट बढ़ गया यूट्रस का, तो यूट्रस के आसपास फंगस जाते ही ज़्यादा ग्रोथ करने लग जाता है, क्योंकि उसे ग्लूकोज ज़्यादा मिल जाता है। तो अगर आपको किसी भी तरह का पैड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, आपको किसी भी तरह की ईचिंग यानी खुजली नहीं हो रही है, आपको किसी भी तरह का
पेन नहीं हो रहा है, आपको किसी भी तरह की बर्निंग नहीं हो रही है, तो आपको टेंशन वाली बात नहीं है, ये एक नॉर्मल कंडीशन है। अब कब दिखाना चाहिए? अगर आपको पैड लगाने की जरूरत पड़ रही है इस डिस्चार्ज में, डिस्चार्ज का कलर चेंज हो गया है, येलोइश हो गया है, ब्राउनिश हो गया है, रेडिश हो गया है, ग्रीनिश हो गया है, यानी कि कलर चेंज हो गया है डिस्चार्ज का, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। किसी भी तरह की खुजली हो रही है, आपके जननांग पे किसी भी तरह की खुजली हो रही है, तो बिल्कुल दिखाने की जरूरत है। किसी भी तरह की कोई स्मेल आ रही है, तो आपको बिल्कुल डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। ये सब इंडिकेट करते हैं कि आपको किसी न किसी तरह का इन्फेक्शन अंदर हुआ है। तो आज हमने यहाँ देखा कि एक फीमेल में कब विजाइनल डिस्चार्ज बनना होता है, स्टार्ट होता है, और कब तक बनता है, कहाँ से इसका प्रोडक्शन होता है, और गर्भावस्था के दौरान इसका अमाउंट क्यों बढ़ जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि लोगों को और भी पता चल सके, लोगों में डर ना हो कि ये वेजाइनल डिस्चार्ज क्यों बढ़ गया है, किस वजह से बढ़ गया है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा ये जान करके। चैनल को विजिट ज़रूर करें अपनी नॉलेज को अपडेट रखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए।